गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबवासी ललिता में आज मैं कक्षा छठी विषय हिंदी पार्ट 9 पद और दोहे पढ़ाने जा रही हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आज हम पढ़ेंगे पद और दोहे और इनके जो लेखक हैं कौन कौन है, मीरा, कबीर और रहीम, तो हम इन तीनों के दोहे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका केंद्रीय भाव है, इस पाठ में मीराबाई, कबीरदास व रहीम की रचनाएं प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में किस किस की रचनाएं प्रस्तुत की गई है? मीराबाई, कबीरदास और रहीम की रचनाएं प्रस्तुत की गई है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीराबाई के पद। किसके पढ़ेंगे? मीराबाई के पद। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तात पात भ्रात बंधु अपनो नो कोई, छाड़ी गई कुल की कानी कहाँ करे कोई। संतन टिक बैठे बैठे लोग लाज खोई, चुनरी की किए टूट ओढ़ी निल्ही लोई। मोती मुंगे उतारी वनमाला कोई, असुवन जल सीच सीच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, प्रेम की मतनिया बड़े जतन से बिलोई। ग्रत ग्रत सब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई, भगत देखी राजी भय जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो ये हम किसके पद पढ़ रहे हैं? मीराबाई के। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का क्या रहेगा? संदर्भ। संदर्भ जैसे पहले पोयम में पढ़ चुके हैं कि संदर्भ में क्या रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पार्ट 9 पद और दोहे से ली गई है और इन पंक्तियों के रचिता कौन है? मीराबाई है। अब इसका संदर्भ हो गया, इसके पश्चात इसका प्रसंग रहेगा। तो प्रसंग देखो, इसमें मीराबाई ने अपने संत रूप का वर्णन किया है। मीराबाई ने किसका वर्णन किया है? अपने संत रूपी का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। संत रूपी मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भाव प्रकट करे। इन पंक्तियों में जो मीराबाई है श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है, भाव है, उसको प्रकट कर रही है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दे कुल की कानी कहे करे कोई। मतलब मीराबाई क्या कहती है, मेरा तो केवल गिरधर गोपाल ही है। गिरधर गोपाल का मतलब श्री कृष्ण, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट हो वही मेरा पति कहलाए। माता पिता भाई बंधु मेरा कोई नहीं है, मेरे तो अपने कुल की लाज को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा भाई क्या कहती है, मेरा तो केवल गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वह मेरा पति है। इनके अलावा ना तो मेरा माता पिता है, ना भाई बहन है, कोई भी नहीं है। मुझे मेरे कुल की चिंता नहीं है, मैंने लाज को छोड़ दिया है और अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। संतन डिग बैठे बैठे लोग लाज कोई, चुनरी के लिए को तोड़ लिन्ही सोई। मोती मुंह उतारी वन माला कोई, असुवन जल सीच सीच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गए आनंद फल होई। इसमें भी संदर्भ आप लोगों का वही रहेगा, प्रसंग। इन पंक्तियों में मीराबाई ने संत रूप का वर्णन किया है। काय का वर्णन किया है? संत रूप का। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मीराबाई कहती है कि मैंने संतों के पास बैठकर अपनी लाज खो दी है। मैंने अपनी चुनरी उतार कर कंबल ओढ़ लिया है। अपनी चुनरी उतार कर मैंने कंबल ओढ़ लिया है। मोती मुंगे आदि के गहने को उतार कर
वन में खिलने वाले फूलों की माला पहन ली है, अपने मैंने अपनी चुनरी उतार दी है, अपने गले में जो मोती मूलों की माला है उसे उतार कर मैंने फूलों की माला पहन ली है। मैंने गिरधर के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है। क्या कह रही मीराबाई? मैंने अपनी आंखों से आंसू निकाल कर प्रेम रूपी बेलों को बोया है, अर्थात अब वह बेल फैल गई है। अब वह बेल कैसी हो गई है? फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, और उस बेल में आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात मुझे सुख मिलने लगा है। मीराबाई क्या कहती है? और मुझे सुख प्राप्त होने लगा है। प्रेम की मतनियां बड़े जतन से बिलोए, घर-घर सब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई, भगत देखी राजी भय जगत देखी रोए, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोए। संदर्भ वही प्रसंग, इसमें मेरा भाई ने श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने की बात कही है। अब हम इसकी व्याख्या देते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के अगाध प्रेम को दर्शाते हुए कहती है, मैंने अपने गिरधर के प्रेम रूपी दही को इतने जतन से पिलोया है, उसका पूरा घी मेरे पास रह गया है, उसका मठा कोई भी पी ले। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मीराबाई क्या कहती है? भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मेरा मन झूम उठता है, लेकिन इस संसार के दुखों को देखकर मेरा मन दुख हो जाता है। भक्तों को देखकर उनका मन खुश हो जाता है और दुखी लोगों को देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। अतः हे गिरधर नागर, अपनी दासी को इस संसार से मुक्ति दिलाओ। क्या कहती है मीराबाई? हे दासी नागर, अपनी हे भगवान, अपनी इस दासी को इस संसार से मुक्ति दिलाओ। तो ये मीराबाई के जो पद थे वो हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास के दोहे। किसके दोहे पढ़ेंगे? कबीरदास के दोहे। कबीरा कहे कमाल सो दो बातें ले सीख, कर साहिब की बंदगी भूखे को दे भी। तो संदर्भ आप लोगों का वही रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 9 पद और दोहे से ली गई है। इन पंक्तियों के जो रचिता है वो कौन है? कबीरदास जी है। संदर्भ हो गया आपका प्रसंग। इसमें कबीरदास जी ने दो बातों को सीख दी है। कितनी बातों की सीख दी है? दो बातों की सीख दी है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी अपने पुत्र को दो बातों की सीख देते हुए कहते हैं कि एक तो ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और दूसरी भूखे को भिक्षा देनी चाहिए। कबीरदास जी अपने पुत्र को क्या कहते हैं? एक तो हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरा हमें भूखे को भोजन देना चाहिए। बुरा तो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। संदर्भ वही रहेगा प्रसंग। इसमें स्वयं की बुराई देखने की बात कह रहे हैं। कबीरदास जी इसमें स्वयं की बुराई की बात कह रहे हैं। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोगों में बुराई को खोजने निकला हूँ। कबीरदास जी क्या कहते हैं? मैं लोगों के अंदर बुराइयों को खोजने निकला था, मुझे लोगों में कोई बुराई नहीं मिली। क्या कहते हैं? मुझे लोगों में कोई बुराई नहीं मिली, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझे मुझ में ही सारी बुराइयां दिखाई दी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं लोगों के अंदर बुराइयों को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई बुराई नहीं मिली। जब मैंने देखा तो मुझे अपने अंदर ही लाखों बुराइयां मिली। अब आगे देखते हैं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, सो पर जो पर पीर न जाने सो काफिर बेफिर। इसमें भी आपका संदर्भ वही रहेगा प्रसंग। इसमें कबीरदास जी ने दूसरों के दुख को समझने का भाव व्यक्त किया है। हमें दूसरों के दुख को व्यक्त करना
चाहिए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख और कष्टों को समझता है वही सच्चा संत होता है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? जो दूसरों के दुख और तकलीफों को समझता है वही सच्चा संत है। इंसान है और जो दूसरों के दुख को नहीं समझता है वह अधर्मी और धर्म का विरोध करने वाला है। और जो दूसरों के दुख तकलीफ को नहीं समझता है वह कैसा है? अधर्मी है और वो अपने धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति है। आगे, जो तो को काट बोए ताही बोल तो फूल, तो ही फूले को फूल है वाको है दिल सुल। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, इसमें बुरा करने वाले को भला करने की सीख दी है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कह रहे हैं? इसमें बुरा करने वालों का भी भला करने की सीख दी है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए काटा बोता है, अर्थात तुम्हारे लिए जो बुरा सोचता है, तुम उसके लिए फूल बो, अर्थात उसके लिए भी तुम अच्छा या भला सोचो। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो व्यक्ति तुम्हारे लिए राहों में कांटे बोता है तुम उसके लिए फूल बो, मतलब जो व्यक्ति हमारे लिए बुरा करता है फिर भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किया गया व्यवहार सदा उत्तम ही रहेगा। उसका व्यवहार उसके लिए उसकी उन्नति में कांटे बनकर उसको उन्नति नहीं करने देंगे। अगर हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसने हमारे साथ बुरा करा तो उसके साथ उन्नति उसके साथ वैसा ही करेगी। तुम आगे निकल जाओगे और वहीं पर पड़ा रहेगा। अब आगे देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगी कब। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, कबीरदास जी कहते हैं कि कल का काम हमें आज ही करना चाहिए। अब इसका अर्थ देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि यदि अचानक प्रलय आ गई तो फिर वह काम कब करोगे। आया समझ में? अब हम देखें कबीरदास के जो दोहे थे वो पूरे हो चुके। अब हम देखेंगे रहीम जी के दोहे। किसके दोहे देखेंगे? रहीम जी के। एक साधे सब सदी, सब साध सब जाए, रहीमन मुल ही खींचिबो फुले फुले अधाए। इसमें संदर्भ चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 9 पद और दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके जो रचयिता है वो रहीम जी है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, सॉरी इसका हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में मूल जड़ की महत्ता का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि एक ही साधना करने से सब काम सद जाता है। यदि हमको साधने की कोशिश करें तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। जड़ में जल देने से ही वृक्ष में फल फूल आते रहते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी? कि हमें एक ही साधना करने से सब काम सद जाते हैं। यदि सभी को साधने जाए तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें एक काम करना चाहिए, सभी काम एक साथ नहीं करना चाहिए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रहीम जी ने इन पंक्तियों में यही कहा है कि हमें एक काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अगर तुम सभी काम एक साथ करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जिस प्रकार जड़ में जल देने से वृक्ष में फल फूल खिलने लगते हैं। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, रहीमन देखिए बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में छोटों की अपेक्षा न करने की बात कही है। छोटे जो छोटी व्यक्ति होती है, छोटी वस्तु होती है, उनकी उपेक्षा न करने की बात कही है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों को नहीं
बड़े व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें छोटे लोगों को, छोटे वस्तुओं को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी ही महत्ता होती है। जिस प्रकार की सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, जहां हम सुई सिलने के लिए सुई का उपयोग करते हैं तो वहां बड़ी तलवार का काम कर सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार हमें बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तीसरा, रही मन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब मैं के दिन आइए बनत लगी है बे। संदर्भ वही रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया कि बुरे दिन आने पर व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। जब हमारा बुरा दिन आता है तो हमें धैर्य या समझदारी से कार्य करना चाहिए। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि बुरे दिनों को आता हुआ जानकर हमें चुप होकर बैठना चाहिए, अर्थात सबसे संबंध विच्छेद करके अपनी व्यवस्था को अपने हृदय में ही छिपा कर रख देना चाहिए। जब अच्छे दिन आएंगे तो उन संबंधों को फिर से बनने में देर नहीं लगेगी। क्या कह रही रहीम जी कि जब हमारा बुरा दिन आता है तो हमें जानकर चुप बैठना चाहिए, अर्थात सबसे संबंध विच्छेद करके अपनी व्यवस्था को अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहिए। जब अच्छे दिन आएंगे तो उन संबंधों को फिर से बनने में समय नहीं लगेगा। अगला, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ वही रहेगा, होगा इसमें प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य कुसंग के अप्रभावित रहते हैं। इसके अर्थ देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का बुरा आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अच्छा होता है, उसका कोई भी व्यक्ति बुरा आदमी उसका बुरा नहीं कर सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर भले ही सर्प लिपटे हो, परंतु उसका विष का प्रभाव वृक्ष पर नहीं पड़ता है। क्या कह रहे हैं रहीम जी? जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, उसका जो बुरा व्यक्ति होता है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हुए होते हैं, फिर भी वो चंदन के वृक्ष की खुशबू को छीन नहीं सकता, उसे जहरीला नहीं बना सकता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। संदर्भ वही रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में विपत्ति के क्षणों में मनुष्य की सच्ची पहचान प्रकट होती है। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि हमेशा हमारी पहचान विपत्ति के समय दिखाई देती है। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसके अनेक प्रकार से बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। ऐसा होता है जब हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, तो हमारे बहुत से मित्र सगे संबंधी होते हैं। किंतु जो विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं, अर्थात विपत्ति में जो हमारे संबंध साथ देते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी? ऐसे तो हमारे, जब हमारे पास धन है, दौलत है, पैसा है, तो हमारे सभी मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे। किंतु जो विपत्ति के समय बुरे व्यक्ति में जो हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो आज हमने किस किस के पद और दोहे पढ़े? मीराबाई के पद पढ़े, कबीरदास के दोहे पढ़े और रहीम जी के दोहे पढ़े। तो आज हमारा